देखिए जरा किस तरह से हाथ लगा। हटाओ हाथ, हाथ उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। हक़ायक़ से पर्दा उठाने के लिए मुझको एक मरतबा से फिर आना पड़ा, लेकिन ये जो लंबा गैप रहा उसके लिए मैं आपसे इंतहाई माजर चाहता हूँ। कुछ निजी मसरूफियात के बायस मेरा आपसे इंटरेक्शन ना हो सका और मेरा आपसे राबिता मुमकिन ना हो पाया। चूँकि हमारा जो ताल्लुक है वो इसी इंटरेक्शन की वजह से है, लेकिन अब एक मुख्तसर अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब भी आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला तो मैंने यही कोशिश की कि मैं हकायक से पर्दा उठाऊँ। जो बातें आप तक नहीं पहुँचाई जा रही या जिन बातों पर हमारे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर्दा डाल रहे हैं, मैं उसका पर्दा चाक करूँ। और आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने का मकसद यह है कि मैं इंतहाई गमनाक हूँ। मेरा कल्ब शिकस्ता हो गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कोई भी शख्स जब खुद को सादात कहे या खुद को सादात के साथ मंसूब करे या अपनी निस्बत सादात के साथ लगाए तो काम भी वैसे होने चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ मैं मौलवी हूँ और मैं आपको नाच गाना करता नजर आऊँ तो इंतहाई नामुनासिब सी बात है। और अगर मैं कहूं कि मैं लिबरल हूं लेकिन कभी कभी मैं इश्के इलाही में मुस्तगरक होकर उसके महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क का इजहार करते हुए कोई नाज शरीफ पढ़ूं तो इसका मतलब है कि मुझ में इश्क की कोई ना कोई रमक बाकी है। मैं खुद को सादात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं चूंकि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुआ तो इश्क मुस्तफ़ा मुझको गुट्टी में पिला दिया। मुझको नहीं मालूम कि आप में से कौन मेरी बात को समझ रहा है और कौन मेरी बात को समझ कर भी नहीं समझना चाह रहा। अरीम शाह मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत बन चुकी हैं कि जो रातों रात कुछ ऐसा स्टंट करके लोगों की नज़रों में मशहूर होना बखूबी जानती है। मेरा हरीम शाह से कोई ताल्लुक वास्ता या राबिता नहीं, ना मैं हरीम शाह से किसी भी काम की मुखालिफत करता हूँ। उसका काम है वो करती रहे, उसका काम टिकटॉक बनाना है वो टिकटॉक बनाए, उसका काम वीडियोस बनाना है वो वीडियोस बनाए, उसका काम सियासी कमरों में जाकर रहना है वो रहे। लेकिन जब वो अपने नाम के साथ शाह यानी सादात के साथ मंसूबित वाजा करती है और हरकतें गंदी करती है तो दिल टूट जाता है, वल्ला बिल्ला दिल टूट जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हरीम शाह की ऐसी ऐसी वीडियोज वायरल हो रही हैं जो सादात को बदनाम करने की एक मजमून कोशिश की जा रही है इस औरत की जानिब से। सादात हैं कौन? हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए सादात हैं कौन, कौन है सादात? मैं बतलाऊं, आप लोग जानते हैं सादात हैं कौन? हमने इस घराने को इतना हल्का ले लिया कि हम अपने नाम के आगे सादात शाह सैयद लगाकर खुद कुछ भी करते रहे तो लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें? ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाज़रीन मोहतरम, अभी एक वीडियो क्लिप देखिए और देखिए कि ये क्या हरकतें कर रही है, देखिए जरा। जी देखा वीडियो क्लिप आप? अब ये औरत जिसका नाम हरीम है, बल्कि जिसका नाम भी हरीम नहीं होगा, ये बता दूं आपको, इसका नाम भी हरीम नहीं होगा, ये औरत उस मर्द की गोद में आकर बैठ जाती है और पीछे एक कुरान की आयत लिखी हुई है सूरह रहमान की, किफा भी अलाई रबी कुमार तो कर। देखिए आपकी जिंदगी है, आपकी निजी जिंदगी, आप कुछ भी कीजिए लेकिन उसको वायरल ना कीजिए, क्योंकि जब आप उसको वायरल करती हैं तो लोग हरीम शाह के नाम से आपको जानते हैं। तो शाह ऐसे काम नहीं करते, सैयद ऐसे काम नहीं करते, सैयद तो पर्दा हटाए तो सूरज छू जाए। इसलिए आप ऐसी हरकतों से बाज रहें या अपना नाम तब्दील कीजिए, जो आपका असल और हकीकी नाम है उसी के साथ अपनी शनाख्त पैदा कीजिए और कुछ भी कीजिए।
हमें आपके काम से इख्तलाफ नहीं। याद रखिए, मैंने आज तक आप पर कोई वीडियो नहीं बनाई और ना आपकी वीडियोस पर कोई तबसरा किया और ना ही अपनी राय दी, चूंकि मैं जरूर नहीं समझता। लेकिन आप इस वक्त जो कर रही हैं वो इंतहाई नामुनासिब है, चूंकि आप नहीं, आपके साथ एक सैयद घराना मंसूब है जो आपने खुद कर रखा है। या तो पर्दाचाक कर दीजिए और बतला दीजिए कि मैं सादात घराने से ताल्लुक नहीं रखती, और एक वीडियो आपकी और वायरल होती है कि जिसमें आप अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे शराब की बोतल निकालते हुए नजर आती हैं और आपके साथ वही साहब हैं जिनकी गोद में आप आकर लपक गई और उठी, पता नहीं क्यों उठने की जानता नहीं क्या वजह है, उठे आप इसलिए कि शायद कोई उठ गया हो। इंतहाई गलत हरकतें आप कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि आप जो कर रही हैं वो करते रहे, लेकिन आप जिस घराने का नाम लेकर साथ चल रही हैं वो इंतहाई गलत कर रही हैं, चूँकि सादात ऐसे नहीं। सादात मैंने आपको बताया, सादात को देखकर तो सूरज छुप जाते। आप कहाँ की सैयद? इसलिए अगर आप हैं तो खुदा रा ये ना कीजिए, क्या क्या हरकतें की जा रही हैं आप बतलाइए। ये सादात का ऐसा अमल हो सकता है? सादात का कभी ये पेशा हो सकता है? मैं खुद इंतहाई शर्मिंदगी से आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ कि कैसे हो सकता है ये कि ये खुद को हरीम शाह कहे, ये खुद के नाम क्या गशा लगाए। बहुत 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 घटिया अमल है जो ये औरत इस वक्त कर रही है। अब देखिए, शराब की बोतल निकालती है, इसके बैठने उठने के स्टाइल्स, कभी ये स्विमिंग पूल में हमको मतलब बढ़ाना डांस करती हुई दिखाई देती है। क्या करना चाहती है, क्या बतलाना चाहती है, क्या कहना चाहती है? कभी ये सियासतदानों के सियासी खुजरों में बाहर निकलती हुई नजर आती, कौन है ये? कोई तो बतलाए, जो भी है हमें इसे सरोकार। मगर ये जिस घराने का नाम इस्तेमाल करके पब्लिक स्टंट्स करना चाहती है, खुदारा ये करती रहे मगर नाम इस्तेमाल ना करे। ये देखिए जरा किस तरह से हाथ लगा, हटाओ हाथ, हाथ उठाओ, बल्कि हटा लिया उसने हटा ही लिया। अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमको लाजमी बताएं, और आज की वीडियो आपको पसंद आई हमारे चैनल यानी अहमद नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सके। और इंशाल्लाह अब आज से हर रोज़ इंशाल्लाह मेरा और आपका राबिता मुमकिन हो पाएगा, और अल्लाह के फजल से मैं आपसे हर रोज़ बात क्या करूँगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपने आराम से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह।